दोस्तों अगर आज के टाइम में हम telesolution.com की साइट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का अगर सेटअप डाउनलोड करना चाहें तो हमें बिल्कुल जो लेटेस्ट रिलीज है वो हमें डाउनलोड करने को मिलेगा 2.1। तो दोस्तों अब ये जो रिलीज 2.1 है वो बहुत ही जल्दी 3.0 में बदलने जा रहा है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, अब टेली सॉफ्टवेयर की तरफ से जो रिलीज 3.0 है वो बहुत ही जल्दी अब लॉन्च होने वाला है। तो बहुत ही नए नए फीचर्स के साथ वो हमें नया टेली प्राइम सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। क्या कुछ नया अपडेट कंपनी ने किया है 3.0 के रिलीज में, वो बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। भी अगर हम लेटेस्ट यानी कि जो 2.1 की अगर हम बात करें तो वो ऐसे कौन से फीचर हैं जो 2.1 में नहीं है वो 3.0 में हमें मिलेंगे, और कुछ ऐसे फीचर्स हमें भी मिलेंगे जिनके पहले आज तक हमें पैसे देने पड़ते थे उन फीचर्स को यूज करने के लिए, लेकिन अब वो 3.0 में हमको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो को एंड तक, काफी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाला है ताकि आप भी आने वाले टाइम के अंदर अपनी बिजनेस की जो प्लानिंग है वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ कर सको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों बात करें 3.0 के नए रिलीज के बारे में, उसमें हमें क्या नया मिलेगा। तो सबसे पहले हम चार मेन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं भी जो हमें कंपनी की तरफ से जैसा कि अभी अनाउंस किया गया भी ये चार नए फीचर अभी अपडेट आपको मिलेंगे। आगे और कितने अपडेट उसके अंदर मिलेंगे वो हम रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम चार मेन पॉइंट जो अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं वो है, सबसे पहले जो हमारा जीएसटी का जो टैक्स सेटअप रेट है, हम आपको इसके अंदर प्रैक्टिकली भी बताएंगे भी उस फीचर्स का यूज हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जीएसटी का जो नया टैक्स सेटअप रेट है वो हमारा इसमें नया फीचर एड हुआ है। दूसरा है ऑटो जीएसटी आर टू का रिकनसलाइज, जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो इसी को लेकर आ रही थी, जो जीएसटी आर टू का जो ऑटोमेटिक हमारा जो रिकनसलाइज होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था, अब वो फीचर भी 3.0 में एड हो चुका है। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है भी मल्टी ब्रांच की जो जीएसटी है, जीएसटी नंबर है, वो हम केवल सिंगल कंपनी के अंदर ही यूज कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है एडवांस फिल्टर का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटी रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारा टेली सॉफ्टवेयर का रिलीज चल रहा है 2.1, उसमें अगर हम जीएसटी रिपोर्ट को देखते हैं, जैसे कि हम डिस्प्ले पर जाते हैं और जीएसटी रिपोर्ट पे जाते हैं, तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके का फीचर हमें देखने को मिलता है 2.1 में। लेकिन 3.0 के अंदर आपको कुछ जो जीएसटी रिपोर्ट अगर आप जैसे हम करेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज, जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 3B, जीएसटी आर 08, जीएसटी आर 4, एनुअल कॉम्पिटिशन, और इसके साथ साथ मेन ये चीज आएगी सबसे बड़ी बात है कि आपका जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 2A और चलान, यानी कि ये तीनों आपके रिकंसलेशन होंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जीएसटी की यूटिलिटी भी मिलने वाली है। तो अब बात करेंगे भी इसका यूज किस प्रकार से होगा। तो अब ये तो था हमारा जीएसटी रिपोर्ट पे आने के बाद जो हमारा मेन्यू हमें दिखाई देगा उसकी बात है। अब उसके बाद मान लीजिए अब बात करते हैं हम एक बार इसको रिपोर्ट को देखने से पहले भी, अब हमारा जो मल्टी ब्रांच यानी कि अब जैसे कि हमारा मेन ब्रांच राजस्थान में है, एक ब्रांच हमारी पंजाब में है, एक पंजाब हमारी ब्रांच जो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में, यानी कि किसी भी अदर स्टेट के अंदर हो सकती है, पांच ब्रांच हो सकती है, छह हो सकती है, तीन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक हमें क्या था, उन सभी ब्रांचों की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हमें ब्रांच वाइज अलग अलग कंपनी क्रिएट करनी पड़ती थी टेली सॉफ्टवेयर में, जो कि एक बहुत ही मुश्किल का काम था अकाउंटेंट के लिए। लेकिन अब उसको सभी ब्रांच को आप सिंगल कंपनी के अंदर ही मेंटेन कर पाओगे। तो सिंगल कंपनी हम अकाउंटिंग तो मेंटेन कर ही लेंगे, उसके साथ साथ हम उनकी सभी की बैलेंस शीट, जीएसटी आर रिटर्न, जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 3B, जीएसटी आर 2A, यानी कि सारा डाटा हमें सिंगल कंपनी में दिखेगा। हम चाहें तो उसको अलग अलग स्टेट वाइज भी देख सकते हैं और सभी का हम मिक्स करके भी देख सकते हैं। तो जैसे हम जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर आके और जीएसटी आर 1 या जीएसटी आर 3B को हम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये जीएसटी आर 1 की रिपोर्ट आएगी। अभी आप देख सकते हो ये जीएसटी आर 1 है और यहाँ पर जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, ऑल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने जितनी भी ब्रांच यहाँ पर बनाई हुई है अलग अलग स्टेट वाइज, तो ये जो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो पर्टिकुलर सभी ब्रांच का इकट्ठा एक साथ दिखाई देगा।
टोटल आपकी B2C एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट यानी कि जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन है सेल से रिलेटेड क्रेडिट नोट से रिलेटेड डेबिट नोट से रिलेटेड सारी आपको दिखाई देगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच की देखना चाहते हो तो इसके अंदर भी कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन का। जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम स्टेट वाइज भी उसको रिपोर्ट रजिस्टर 1-3 भी उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर एंटरप्राइज करेंगे कंपनी की तो उसके बाद जितनी भी आपने ब्रांच वाइज डिटेल बना रखी है उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो उसके अंदर पर्टिकुलर आपको उस कंपनी को यानी कि उस ब्रांच को रजिस्ट्रेशन आपने सेलेक्ट करना है जिसकी रिपोर्ट आप देखना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात अब इसके अंदर ये रहेगी भी अभी तक जो हमने टेली सॉफ्टवेयर 2.1 के अंदर रिलीज के अंदर अगर हम कोई कंपनी क्रिएट करती थी तो उसके अंदर जो हमारा डेटा का जो कोड था वो 5 डिजिट के अंदर बनता था, लेकिन अब ये 6 डिजिट के साथ है जो तैयार होगा। तो एक ये भी मेजर चेंजिंग इसके अंदर हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो जैसा भी हम GST रिपोर्ट को हम डालेंगे मल्टीवाइज ब्रांच एड इसके अंदर करेंगे तो हम रूटीन के अंदर हम क्या करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में जाएंगे और उसके बाद में जैसे हम F11 करेंगे और F11 करने के बाद में हम अभी तक क्या था भी जैसे हम F11 करते हैं यहाँ पर 2.1 में तो हमारे पास ये GST रजिस्ट्रेशन के अंदर हम इसको यस करते हैं तो हमारे पास ये केवल सिंगल स्टेट का ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो पाता है, उसी के GST नंबर डिटेल वगैरह वो हम यहाँ पर सेटअप कर पाते थे। लेकिन अब नए कोड के अंदर क्या होगा जैसे हम GST को सेटअप उसको यस करेंगे तो आपसे पूछेगा भी आप कितनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन और करना चाहते हो और अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपने जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट करना वो यहाँ से आप सेलेक्ट दिल्ली सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है कंपोजिशन का है रेगुलर में किस टाइप का वो आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में आपकी कंपनी का GST नंबर वगैरह बाकी डेटा आपका सारा का सेम है। और उसके बाद में जैसे अगर आपने ये क्रिएट कर लिया तो आपके सामने ऑप्शन और आते जाएंगे यहाँ पर अनोदर GST रजिस्ट्रेशन इन दी कंपनी, तो आप इसके ऊपर भी यस कर करके आप नई कंपनी जो आगे से आगे क्रिएट करते जाओगे। तो जैसे हमने ब्रांच यहाँ पर क्रिएट कर ली वो सारी की सारी ब्रांचें हमारे सामने यहाँ आपको दिखाई देती रहेगी, ठीक है। अब ये हमारी मेन कंपनी है और मेन कंपनी के अंदर हमारा ये ब्रांच का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं GST का, लेकिन अभी तक ये जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो रिलीज है उसके अंदर ऐसा नहीं था। तो उसके बाद में जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे से आगे हमारा ब्रांच वाइज हम एडिशन कर सकते हैं। और दूसरा अभी तक क्या था भी जैसे हम टेली सॉफ्टवेयर 2.1 के अंदर कोई लेजर एक्सपेंसेस का लेजर हम क्रिएट करते थे, जैसा कि हम एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्सपेंसेस का और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं। तो जैसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे से GST की जो एप्लीकेबल है या नहीं है, एप्लीकेबल है तो इसकी डिटेल वगैरह सारा सेटअप हमें यहाँ करना पड़ता था, लेकिन अब नए रिलीज के अंदर आपको अब यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा जैसे हम कोई लेजर अगर क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट किया अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कर दिया, तो अब हमें वो सारी जो HSN की डिटेल वगैरह है वो सारी हमें यहाँ पर ही फिलअप करनी पड़ेगी, यानी कि अब आपका सारा डाटा है वो ऑन स्क्रीन यानी कि डैशबोर्ड पर ही रहेगा, आपको यस करने के बाद आपको सेटअप डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका HSN कोड क्या रहेगा, HSN कोड यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पर कोई इसकी स्पेसिफाई डिटेल हेयर लिखना चाहते हो तो HSN कोड इसका जो भी आप इसका लग सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप इसका यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद में GST का जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट यहाँ पर आप इसका सेलेक्ट कर सकते हो भी एज पर कंपनी का ग्रुप आपने किराया क्या क्या है, या आपको स्पेसिफाई डिटेल यहाँ पर देना चाहते हो या इसका स्लैब बेस रेट देना चाहते हो या GST की क्लासिफिकेशन आपने ऑलरेडी बना रखी है उसमें से सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से अब ये सर्विस में है कि गुड्स में किस कंट्री में आएगा तो ये सारा का सारा डाटा आपका ऑन रिकॉर्ड रहेगा। तो ये हमारा GST का जो टैक्स सेटअप रेट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो उसके बाद में जो पहले अभी तक हमने स्टॉक आइटम के अंदर हम जो GST की डिटेल देते थे, जैसा कि हमने कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं आइटम पर गए जैसे ये आइटम है और आइटम का अगर कोई GST डिटेल वगैरह अगर हमें देना होता था तो GST डिटेल पे यस पे जाके और उसके बाद हम इसको यहाँ पर सेटअप करते थे इसका GST का, लेकिन अब नए रिलीज के अंदर ये आपका जैसे हम स्टॉक आइटम कोई क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम अगर आप कोई क्रिएट करोगे तो ये स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद में उसका जो GST डिटेल है वो सारा का सारा सेटअप आप हमें यहाँ पर ओपन ही आ गया है, अब उसको यस करके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो GST सेटअप रेट है वो आप इस तरीके को यहीं पे
मेन स्क्रीन पर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, इन सभी आइटमों की आप जीएसटी की सेल वाउचर या परचेज वाउचर एंट्री करने के दौरान भी आप इसको बीच में भी चेंज हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर हमें बाय द मिस्टेक हम किसी कारणवश से जीएसटी नंबर भूल गए हो, इसका एचएसएन देना अगर भूल गए हो, तो हम बाद में भी लिख सकते हैं जब हम सेल वाउचर की या फिर परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे उस वक्त में। और नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो अब ये रहेगा इफेक्टिव डेट का। अब इफेक्टिव डेट, अब ये कौन सा इफेक्टिव डेट है, अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे अपने पास कस्टमर होते हैं जिन्होंने पहले जीएसटी नंबर उनके पास नहीं होता है, लेकिन उन्होंने किसी भी मंथ के दौरान जीएसटी नंबर ले लिया होता है बाद में, तो हमें पता चलता है बाद में जब वो हमारी ऑन कॉल अगर कोई बात होती है तो हमें बता देता है कि हमने भी जनवरी मंथ से जीएसटी नंबर हमने ले लिए। तो अभी तक हम क्या करते थे, जैसे मतलब जीएसटी नंबर ले लिया, कोई भी लेजर हम सिलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए लेजर है, इसको लेजर को अभी तक मान लीजिए तो रजिस्टर्ड ऑलरेडी, हम इसको एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी एक नया लेजर क्रिएट कर दिया, ये हमारा कस्टमर है, सैंडी डेप्टर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लेकिन अभी तक हम क्या करते थे इसको अनरजिस्टर्ड करके इसको सेव कर देते थे, लेकिन बाद में पता चला भी इसने जीएसटी नंबर ले लिया है, तो जैसे हम उसको बाद में मॉडिफाई करके और इसको यहाँ पर रेगुलर करके और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर लिख देते थे, लेकिन अब हमारे से ये बात पूछता नहीं था भी ये जो जीएसटी नंबर है ये इस आपके कस्टमर ने कब से लिया है। तो अब इसका जो डाटा इफेक्टिव डेट है वो अब नए सेटअप के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अब नया सेटअप के अंदर हम अगर हम बात करें तो मान लीजिए अल्ट्रम करते हैं, लेजर पे हम चलते हैं, मान लीजिए कोई भी लेजर हम एक यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं या ऑलरेडी लेजर पे जो उसको ओपन कर लेते हैं, ये भी ऑलरेडी हमारे पास लेजर है, इस लेजर को हम एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वापिस चलते हैं हम अल्टर पे, लेजर पे, और क्रिएट एक न्यू लेजर हमने क्रिएट कर लिया, ये हमारा कस्टमर है तो सैंडी डेप्टर के अंदर हमने इसको रख लिया। और उसके बाद में अभी तक हमने इसको अनरजिस्टर्ड रखा है, तो अब इसके अंदर एक चेंजिंग मेजर ये भी हो चुकी है, अब आपका अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर एक ही लाइन के अंदर दे दिया है, एक्सेप्ट करते हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद के अंदर मान लीजिए इस कस्टमर ने जीएसटी नंबर है जो ले लिया है, उसके बाद में जैसे ही हम इसको यहाँ पर करेंगे रेगुलर और यहाँ पर इसका जीएसटी मान लीजिए हम उसको नंबर डालेंगे, तो उसके बाद हमारे से इसकी इफेक्टिव डेट अभी वो भी पूछेगा भी अब ये जो इफेक्टिव डेट है ये कब से लागू हो रही है, यानी कि कस्टमर ने कब से लिया है। तो अब आपके सामने कई ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे कि करंट डेट ऑफ कंपनी की है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री से है, या टुडे की है, या टुमारो की है। अगर आप इसके अंदर कोई इफेक्टिव डेट अपने हिसाब से देना चाहते हो तो न्यू इफेक्टिव डेट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक मेजर चेंजिंग इसके अंदर ये भी हुई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंजिंग की तो अब नेक्स्ट चेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जीएसटी का 2A को लेके, यानी कि जो हमारी रिकंसिलेशन होनी है 2A की, तो उसके अंदर आपकी सारी रिपोर्ट दिखाएगा। अब उसके अंदर आप अलग अलग ब्रांच वाइज भी यहाँ पर हम चेंज कर चेक कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच का हमारा 2A का है जो डाटा हमारा मैच है, उसके अंदर सारी रिपोर्ट आपको दिखाएगा, मिसमैच की दिखाएगा, अवेलेबल इन बुक्स, अवेलेबल ऑन पोर्टल, मिसमैच इन रिटर्न पीरियड, यानी कि वो सारा का सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर टेबल वाइज यहाँ पर शो करेगा। तो ये सारा रिकॉर्ड हम जैसे ही कंपनी इसको लॉन्च करेगी हम ये सारी प्रॉपर आपको एंट्रियाँ करके बताएंगे भी ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है जीएसटी का जो हमारा ऑटो रिकंसिलेशन 2A का वर्सेज पोर्टल के साथ, तो ये बहुत जरूरी था। और उसके बाद में एडवांस फिल्टर का जो यूज दे दिया। अब एडवांस फिल्टर क्या, अभी तक हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमें कोई फिल्टर यूज करना होता था तो हम क्या करते थे, एल्ट एफ 12 करके हम इस फिल्टर का यूज करते थे भी रेंज इन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और यहाँ पर हमारा फिल्टर यूज होता था। लेकिन अब ये जो फिल्टर है नए वर्जन के अंदर, अब इन्होंने डैशबोर्ड पे यानी कि मेन जो डे बुक अगर हम ओपन करेंगे नए वर्जन के साथ में, तो अब इसके अंदर हमारा ये ऑप्शन है आप देख सकते हो अप्लाई फिल्टर, तो ये जो ऑप्शन है अब इसने यहाँ पर दे दिया। अप्लाई फिल्टर करेंगे तो मल्टी फिल्टर, एडवांस फिल्टर, यानी ये कि सारी की सारी रिपोर्टें अब आपको डे बुक पर देखने को मिलेगी। अब आपको एल्ट एफ 12 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मल्टी फीचर है, एडवांस फिल्टर है, कुछ भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। तो ये सारी बातें भी हम आपको लॉन्च होने के बाद ही दिखा पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो हमें आने वाले रिलीज 3.0 में देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए, अगर आपकी भी कोई बिजनेस है तो जल्दी से जल्दी आप टेली सॉफ्टवेयर से कंपनी से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी बिजनेस की प्लानिंग है जो कर सकते हो। वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो
नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।